चैप्टर में देखेंगे कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी होता क्या है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या है वो बात। अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी हम अपने काम करते हैं तो उस काम को सिक्योर करना हमें बहुत जरूरी होता है। अगर हमने इसको सिक्योर नहीं किया तो हमारा डाटा क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो कंप्यूटर पर हम जो भी काम करते हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर में यही करेंगे कि कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें 3 पोर्शन में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट ये कंप्यूटर एथिक्स, सेकंड पार्ट इज कंप्यूटर क्राइम, एंड थर्ड पार्ट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो हम फर्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेम ऑफ दैट पार्ट इज कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स होता क्या है बेटा? ये रूल्स और विश्वास होता है। जो भी हम कंप्यूटर में हम काम करते हैं तो उसके ऊपर हमें जो भी उसके जो रूल्स वगैरह होते हैं हम उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। वो क्या होते हैं? कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स आर बिलीफ एंड रूल्स वी यूज स्टेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ये रूल्स हमें क्या बताते हैं कि हम जो कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं वो हमारा काम सही है या गलत है, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। हमारा काम कर रहे हैं वो सही है या हम काम जो कर रहे हैं वो गलत है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर एथिक्स, एथिक्स आर बिलीफ एंड रूल्स एंड दे यूज स्टेट दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। नेक्स्ट पार्ट है बेटा इसी का ही, इसके कुछ मेजर इश्यू होते हैं, मेजर इथिकल इश्यू होते हैं। वो क्या क्या है देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्जाम्पल आपका पेन है आपके पास, वो पेन अगर आपका है तो आप उसके क्या ओनर हो। आपके पेन को यूज करने के लिए मुझे क्या लेनी पड़ेगी, आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वही वही बात होगी, पेन क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब वही होता है, अगर हमें किसी की प्रॉपर्टी को यूज करना है तो हम उसको क्या करेंगे, ओनर की परमिशन लेके ही हम यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉपी राइट। और ये कॉपी राइट का बेटा सिंपल होता है, सी और सी को सर्कल में हमने एनक्लोज कर रखा है। तो कॉपी राइट का मतलब क्या है, अगर कोई किसी का मान लो सामान है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पेन का, तो वो हमारा इसके अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे राइट्स रिजर्व होती है। सारे के सारे राइट्स किसके पास होते हैं, ओनर्स के पास होते हैं, मालिक के पास होते हैं। उसकी मर्जी होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को यूज करने देगा या नहीं करने देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉपी राइट का मतलब है और राइट्स रिजर्व, ये सारे इथिकल इशू है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी में एक ऐसा कंसेप्ट है हमारे कंप्यूटर में, कुछ एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मैनेजमेंट क्या होती है सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर पायरेसी। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं पायरेटेड होते हैं, उससे हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मतलब सॉफ्टवेयर पायरेसी का देखिए बेटा क्या मतलब है, इज द इलीगल रिप्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर का इलीगल वे से और डिस्ट्रीब्यूशन अनडिस्ट्रीब्यूटेड वे से हम क्या करना पड़ता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास सब एथिकल इशू। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर क्राइम। क्राइम जैसे चोरी हो गया कुछ भी सामान, तो वो क्या है, क्राइम करना होता है। तो कंप्यूटर पर डाटा चोरी करना, कंप्यूटर में कोई भी इलीगल वे से डाटा को एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर क्राइम। ओके, और कंप्यूटर पर जो क्राइम करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैकर्स एंड क्रैकर्स। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड जो क्राइम होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर क्राइम। और जो कंप्यूटर पर जो क्राइम करते हैं जो पीपल या जो पर्सन, वो हमारे क्या होते हैं, हमको क्या बोलते हैं, हैकर्स एंड क्रैकर्स। देखिए क्या होते हैं हैकर्स, हैकर्स इज ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम टू गेट इलीगल एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन स्टोर। मतलब क्या होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम पर ऐसे पर्सन होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम की जो सिक्योरिटी होती है, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, उसको इलीगल वे से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं विदाउट परमिशन। उसको क्या कर सकते हैं, करते हैं वो यूज करते हैं, वो क्या होते हैं, हैकर होते हैं। क्रैकर क्या होते हैं, क्रैकर भी बेटा हैकर की तरह ही होते हैं। देखिए अब क्रैकर इज ए पर्सन हु ब्रेक इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम जस्ट लाइक ए हैकर। ये भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाकर मतलब कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करके हैकर्स की तरह क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। लेकिन कैसी इंफॉर्मेशन को बेटा, जो भी हमारी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी बैंक की इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हैकर्स में तो बेटा हमारा ये हमारे थोड़े से कम नुकसान करते हैं, ये हमारे ज्यादा डेंजरस होते हैं क्रैकर्स, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो ही क्या कर लेते हैं, उसको स्टील कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये हमारा क्राइम होता है कंप्यूटर पर, उससे बचने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है। तो नेक्स्ट पार्ट है इसका कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब हम जब भी कोई हमारी आई डी लगाते हैं, जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का फोल्डर होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम लॉक करते हैं। अब
अब अगर मान लो घर से बाहर भी जाते हो तो आप अपने घर को क्या करके जाते हो, लॉक करके जाते हो ताकि घर में जो सामान हमारा सेफ रहे। तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मटेरियल होता है, तो उसको हमें क्या करना है, सेव करना जरूरी है। तो सेव करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा। तो लॉक करने का मतलब क्या, उसको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, मतलब पासवर्ड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में सिक्योरिटी दे सकते हैं। और जितना मजबूत ताला उतना ज्यादा सिक्योरिटी, जैसे इतना ही जितना मजबूत हमारा पासवर्ड उतनी मजबूत हमारी क्या होगी कंप्यूटर सिक्योरिटी होगी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड प्रोसीजर एंड टेक्निक्स दैट आर डिजाइन टू प्रोवाइड कंप्यूटर कंप्यूटर फ्रॉम इंटेंशन थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस और मैनिपुलेशन। मतलब क्या इसका, कंप्यूटर सिक्योरिटी है बेटा, ये ऐसे प्रोसीजर और ऐसी टेक्निक्स को इंक्लूड करते हैं, ऐसे डिजाइन ऐसा टेक्निक यूज करके हम डिजाइन करते हैं कंप्यूटर को, जिससे कि जो अनऑथराइज्ड यूजर होते हैं, अनऑथराइज्ड यूजर का मतलब होता है जो विदाउट परमिशन हमारे डाटा को एक्सेस करते हैं, उनसे हम अपने कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और अपने डाटा को हैक होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। जो कंप्यूटर हमारा ये हमारा चैप्टर रहेगा, थ्री पार्ट में डिवाइडेड है, कंप्यूटर एथिक्स, क्राइम एंड सिक्योरिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल SCS मीरापुर को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।